तिहार जेल में आज संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान काफी दुखी नजर आए। वह कहते हैं कि यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उनके साथ कट्टर अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें वैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है जो एक अपराधी को दिया जाता है। उन्होंने पूछा उनकी गलती क्या है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो आपने देश के सबसे बड़े आतंकवादियों में एक को पकड़ लिया हो। पीएम मोदी क्या चाहते हैं? भगवंत मान मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिन्होंने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की और बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। जब मैंने पूछा कि वह कैसे है तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में भूल जाओ, मुझे बताओ कि पंजाब में चीजें कैसे चल रही हैं, क्योंकि हम काम की राजनीति करते हैं। भगवंत मान के साथ मुलाकात के दौरान मौजूद आप सांसद संदीप पाठक ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की चिंता है और वह लगातार पूछ रहे हैं कि उन्हें सब्सिडी मिल रही है या नहीं। पाठक कहते हैं कि जेल के अंदर रहते हुए भी उन्हें दिल्ली के लोगों की चिंता है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से वह मुद्दों पर चर्चा के लिए दो मंत्रियों को बुलाएंगे। उन्होंने पार्टी विधायकों से भी लोगों के बीच जाने को कहा है।